कितना ही प्यारा लग रहा है यार वो देखो वहां से बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आ रही है। देखो नर्सरी में केजी में हो आप केजी में लिखवा दिया नाम। मैं अभी सुबह सुबह सो रहा था ना तो ये सुबह सुबह आके सारे के सारे चिल्लाने लग गए बंदर जोर जोर से। देखो डरा रहे हैं मेरे को। ले ले चलो 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 इसने दोनों के दोनों रख लिए। मंदिर से और ले कहता हूँ बेचारे ये और खा लेंगे ताकि। देखो यहाँ पे है एक यहाँ पे है फिर वो एक वहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है वहाँ से फिर एक सामने वाली छत पे है तो यहाँ से लटक के देख रही है ये। देखो ये लो बड़े बेचारे बेजुबान जानवर हैं बड़े ही प्यारे हैं ये। देखो मैं अंदर लेने के लिए आया हूँ तो देखो गेट खोल दिया इसने। लाता हूँ बेटा रुक जाओ। ये एक तो देखो मेरे सर के ऊपर ही है इधर की तरफ। ले वो देखो वहां से बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आ रही है। देखो उतनी दूर से और वो देखो वो दो हैं अभी देखना। ये देखो यहाँ से आएंगे अभी देखना ये आ गए ये आ गई। ले 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 खा ले 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 उसका छोटा सा बच्चा है देखना कैसे खेल रहे है बाइक पे इन सब के साथ। ये देखो तो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय श्री बालाजी कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी क्या मैं सुबह सुबह उठा ही हूँ ना तो आपको मेरा फेस ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं सो रहा था और ये बंदर गेट के बाहर आके बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गए और गेट को बुझाने लग गए थे इसलिए फिर मैंने बाहर आया और आके अभी सुबह 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 सभी को आम खिलाया है। और ये छोटे वाला बंदर है ना इतनी बदमाशी कर रहा है ना ये देखो। अभी बाइक के ऊपर चढ़ा हुआ था वहाँ से उतर के नीचे की तरफ आ गया। इसको मैं आम देने की ट्राई करता हूँ खा पाता है तो उसे देखो। ओ देखो मेरी बाइक के ऊपर कहाँ छुट रखा पूरी गैंग आ रखी है भाई साहब आज तो इनकी सुबह सुबह। ओए ओए तोड़ेगा कितना ही प्यारा लग रहा है यार वो। मुझे इनका डर भी लग रहा है कहीं ये पता चले माँ के मेरे को ही काटने लग जाए तो उसकी भी थोड़ा सा मेरे को डर भी लगता है। इन सभी को पता चल गया ना इसलिए अभी आ रहे हैं। और वो देखो वो छोटे वाला फिर से बाइक के ऊपर चढ़ गया। तो लो भाई बड़े वाला बंदर भी आ गया फिर से अब बदमाशी करने लग गया ये इसके आते ही ना सारे के सारे देखो ये गेट के बाहर बैठे थे सबके सब साइड हो गए। वो छोटे वाला जब से मेरी वाली बाइक के ऊपर ही लगा हुआ है कभी किसी के साथ मस्ती कर रहा है कभी किसी के साथ मस्ती कर रहा है। बड़ा अच्छा लगा यार सुबह सुबह ना उठ के ऐसे सारे सब चीजों को ऐसा देखना सब बंदर आए ना घर पे। भाई ये बंदर आम खा के गए थे ना तो बाहर छिलका विलका सब यहीं डाल के चले गए। अब मम्मी को और आंटी को क्या ही परेशान करूँ खुद मैं ही साफ कर देता हूँ। वो सारे के सारे जो आम के वो छिलका था और वो सब मैंने साइड में रख दिया। अभी कोई पशु आएगा ना जानवर गाय वगैरह होगी वो खा लेंगे तो मैं उनको खिला दूंगा थोड़ी देर बाद में। अब इसके ऊपर देखे देखो जगह जगह पैसे दिख रहे ना पोचा लगा देता हूँ इस पर। भाई झाड़ू वाड़ू ला के पोछा वोछा लगा के एकदम अच्छे साफ कर दिया है ताकि सुबह सुबह उठ के ना मम्मी को परेशान ना होना पड़े। अभी रोड से दो बच्चे गए थे साइड के अंदर थोड़ा बहुत मेरे को जानते भी थे तो मेरे को देख के हंस रहे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं अभी उनकी वो उम्र नहीं है वो स्टेज नहीं है कि वो अभी ये सारी की सारी चीज़ समझें। भाई माँ बाप ने क्या अपना वो ले रखा है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज़ की क्या लाइफ टाइम की थोड़ी ना ले रखी है वो अपने लिए करते हैं उतना ही बहुत होता है
नाउ अब ये अपनी बारी है कि अपन अपन घर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, और घर का काम कर दोगे तो क्या तुम छोटे बन जाओगे क्या भाई? बिल्कुल छोटे नहीं बनोगे, करके देखना तुम्हारी मम्मी को कितनी खुशी मिलेगी, तुमको खुद को कितनी खुशी मिलेगी इस चीज़ के अंदर। तुम्हारी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक करती रहती है, तुम्हें कुछ बोलती हैं? ये सब काम मैंने अपना सीखा था जब मेरी मम्मी के हाथों में एलर्जी हो गई थी ना, मम्मी काम फिर भी करते थे, उनके कट्स लग जाते थे एलर्जी के अंदर और फिर ब्लड टाइप्स आने लगे थे, फिर वो देख के मेरे से देखा नहीं जाता था, तो ये देख के सारा का सारा काम, फिर मैं घर का सारा ए टू जेड सब काम आता है मेरे को, तो फिर लगा दिया पोछा तो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई दूध लेकर के आ जाते हैं। आंटी जी आ जाओ, आंटी जी आ जाओ। काफ़ी दिनों से आंटी जी के पास छाछ नहीं थी सीध, तो आज है तो आंटी जी बोलने, भाई बादल को सीध डाल दे, बादल को सीध बढ़िया लगती है। थैंक यू सो मच आंटी जी। पता है गर्मियों के अंदर गाय का दूध भी कम हो जाता है, फिर घर पे भी इतने मेंबर होते हैं, ये सब भी यूज़ लेते हैं, बट ये फिर भी दे रहे हैं, बहुत मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आंटी जी। भाई दूध और छाछ सीध ले ली है, अब चलते हैं घर पे, नहाते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। उनने तो बंदरों ने तो सुबह सुबह आम खा लिया, मैं भी मैंगो शेक बना के पीता हूँ अभी घर जाके। तो अभी मैं आ चुका हूँ शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। वो आम खा के गए ना, उसके बाद में सुबह से दो बार फिर से आ चुके हैं घर पे, और अंदर आकर के ना ये गेट फ्रिज का अपने आप खोल लेते हैं और खोल के आम निकाल के भाग जाते हैं बेचारे, उनको क्या ही बोलूँ मैं, इसलिए गेट लॉक करना पड़ता है, चाहे बाहर जाओ चाहे अंदर आओ। मैंने आप सभी को सुबह बताया था ना कि बंदरों के वैसे गेट बंद करके रखना पड़ता है, तो आंटी बाहर गए तो गेट बंद करके गए, अभी देखना अंकल को बुलाया वो खोलेंगे। थैंक यू अंकल। बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है ना, उनकी वजह से जब भी बाहर आते जाते तो गेट बंद करके जाना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ तो मैं भी गेट बंद करके जा रहा हूँ बाहर, कुछ खाने पीने के लिए आता हूँ, संडे है तो संडे का रेस्ट है, तो संडे के दिन तो चलता है थोड़ा बहुत चीट मील। तो भाई मार्ट में आ गए हैं, देखते हैं क्या लेता हूँ खाने पीने का, जो भी पसंद आया उठा लूँगा। भाई मम्मी ने चाय पत्ती का, तो चाय पत्ती ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे आए कन्फ्यूज हो जाओ, क्या लूँ क्या लूँ, ये करता ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, कंट्रोल रखना पड़ता है ना यार सब चीज़ों के ऊपर। एक मैं सोच रहा हूँ ये बेकरी वाले बिस्किट ले लेता हूँ, इनमें से कौन से लेता हूँ देखता हूँ, अभी कर दो भी इसका। ले लिया भाई सामान, चलते हैं घर पे, खाते पीते हैं, बस संडे को यही होता है, संडे के दिन थोड़ा बहुत चीट मिल चलता है यार इतना तो, बाकी और दिन जब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन तो थोड़ा बहुत चलता ही है। वैसे भी ये बेकरी वाले लिए हैं, इनमें शुगर भी कम है और ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते उतना कर रहा हूँ। बोलो बताओ पानी पियोगे? अभी देता हूँ। इस टाइम क्या घर के बाहर बच्चे ही बच्चे जाते हैं सारे के सारे आकर के खेलते रहते हैं, फिर कह रहे हैं भैया पानी पिला दो, उनको पानी दे देते हैं। ले भाई पीने पी लो पानी पी लो। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो कितना अच्छा रहता है, कैसे एकदम तो मस्ती से खेल रहे हैं। अभी मेरे को रूम में बैठे बैठे को भी गर्मी लग रही है कि हाँ भाई एसी चाहिए, बट इनको देखो इनको कुछ नहीं चाहिए, गर्मी पड़ रही है फिर भी लगे पड़े हैं। हाँ ग्राउंड जाता हूँ तब ग्राउंड की बात अलग होती है मेरी भी, बट हाँ खूब मस्ती कर रहे हैं बच्चे, इनको देख के बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। देखो इन सब के बीच में हमारे बड़े बच्चे आ गए हैं, आप भी आगे खेलने। तू नहीं खेलेगा? कब खेलेगा? बच्चे खेल रहे हैं अभी, इसके बाद खेलेगा तू। अच्छा क्या नाम है तेरा? गगन। हाँ गगन। अच्छा कौन सी क्लास में हो आप? नर्सरी में। केजी में हो? आप केजी में लिखवा दिया नाम? हाँ केजी में लिखवा दिया। केजी में लिखवा दिया नाम, चलो बढ़िया। बच्चों को ऐसे घर से बाहर जाना चाहिए और घर से बाहर जाकर खेलना चाहिए, उससे बच्चे का फिजिकली फिट भी रहते हैं, और फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे। घर पे रह के पढ़ाई का प्रेशर लेते रहेंगे, हॉलीडे होमवर्क का। भाई हॉलीडे होमवर्क कितना मिला है गर्मियों की छुट्टियों में? दो पेपर, दो पेपर ज़्यादा मिला है ना, कम मिलना चाहिए? तो कोई भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं थोड़ा तो मिलना चाहिए। तो ये स्पोर्ट्स के ना इनको ये छुट्टियां हुई है ना खेलने कूदने की उम्र है, इनको खेलने कूदने दो, इन्हें 15-15 किलो के 10-10 किलो के दो इनके स्कूल के बैग कर देते हैं,
इस उम्र में ये नहीं खेलेंगे तो फिर कब जाए खेलेंगे। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको पूरे व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और फैमिली प्लीज़ 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 आप जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करवा दो और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय श्री बालाजी की। भाई मैं आइस लगा लूँ या तू खाएगा है माइकी? नहीं नहीं नहीं।